जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत कुछ लाइन से होती है कि सतर्क रहना जब तुम एक शैतान से लड़ाई कर रहे हो, कहीं तुम खुद शैतान न बन जाओ। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से कोई एक बचेगा और बाकी के सब लोग मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कुछ चीज़ों को मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो कुछ मशीन जैसी चीज भी बना रहा था और वहीं पे कुछ लोगों की पिक्चर्स भी थे। और एक किसी अंधेरे कमरे में एक डरी हुई लड़की डोर को खोलने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन पीछे से एक आदमी उसे आकर मार डालता है। और इस मूवी में क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था वो आपको इस मूवी के एंड में ही पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये कहानी फिर एक लड़की जैकी पर दिखाई जाती है जो कि एक अमीर आदमी के साथ में डेट पर जा रही थी। वो रेडी होके अपने फ्रेंड को बाय बोलकर उस आदमी के साथ में कार में बैठकर निकल जाती है और वो लोग एक पार्टी करने जा पहुंचते हैं जहां पर और भी कई सारे लोग आए हुए थे। फिर हमें कुछ लोगों के इंट्रोडक्शन कराए जाते हैं। जैक्सन जो कि एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़का था, एंटन जो कि 5 साल से आर्मी में था और वेपन्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट था, क्रिथ जो कि एक नंबर का चालू इंसान था, वो बस अपना काम निकलवाना जानता था, लीह जो कि दूसरे पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती है और उसे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, निक एक एथलीट था और वो एक बहुत अच्छा लड़का था, कार्लो जो कि ज्यादा बातचीत नहीं करती थी क्योंकि उसकी एक एक्सीडेंट में वोकल कॉर्ड खराब हो चुकी थी और वो एक जिमनास्ट भी थी, सारा एक अनाथ लड़की थी जो कि लोगों के बीच में ज्यादा नहीं रहती थी, माइक एक मेल एस्कॉर्ट यानी कि प्रोस्टिट्यूट था और जेकी जो कि एक योगा टीचर थी और उसे सबसे मिलकर रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सभी लोग पार्टी में एक दूसरे से बातें करते हुए एंजॉय कर रहे थे और अचानक से पार्टी में कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और जब उन सबकी आंखें खुलती है तो वे एक सुनसान अंधेरे रूम में थे। उन सभी के सिर के बीचों बीच एक कैमरा जैसी चीज घुसाई हुई थी और उसी चीज की वजह से निक के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वे लोग समझ ही रहे थे कि वहां पर उनके साथ में क्या हो रहा है और तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कोई ये कहता है कि सभी का इस गेम में स्वागत है, आप सभी को एक रात के अंदर इस गेम को पूरा करना है। इस जगह पर एक चाबी छुपी हुई है यानी कि उस चाबी से एक दरवाजा खुलेगा जहां से बस कोई एक ही इंसान आजाद होकर भाग सकता है। ये गेम कोई एक ही व्यक्ति जीतेगा और बाकी के सभी लोग मर जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और पीटर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तभी वहां पर फिर से अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो शख्स फिर से कहता है कि ये दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई एक शख्स ही जिंदा बचेगा और बाकी के लोग मर जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट सुनकर इस गेम से बाहर निकलने के लिए पीटर अपने सर से कैमरा को निकालने लगता है और जब वो कैमरा को निकाल लेता है तो उसके सर से एसिड निकलकर उसके पूरे फेस को गला देता है और पीटर वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। और तभी वो शख्स फिर से ये कहता है कि कैमरा में एसिड भरा हुआ है, अगर किसी ने भी कैमरा निकाला तो उसका भी हाल यही होगा और किसी ने भी कुछ भी गलत किया तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। जो भी गेम जीतेगा उसका कैमरा हम ही निकाल देंगे और इस गेम को अगर दिए हुए टाइम में खत्म नहीं किया गया तो सभी कैमरा से एसिड निकलेगा और सब पीटर की ही तरह मारे जाएंगे। और फिर उस शख्स की ये बातें सुनकर सभी डर जाते हैं। सभी मिलकर गेम को खत्म करने की सोचते हैं और सभी की नजर जमीन पर बने कुछ निशानों पर पड़ती है। वे सभी निशाने को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं और इन सभी लोगों को कैमरास में कुछ अमीर लोग देख रहे थे। उनमें से ही एक आदमी क्रिस कहता है कि अब आप सभी लोग इस खेल में बाजी लगा सकते हो और ये सुनकर सभी अमीर लोग गेम में फंसे हुए लोगों पर बाजी लगा देते हैं। ये एक तरीके की खुली हुई गेम थी। यहाँ पर कैद किए हुए लोग जिन पर ये लोग बाजी लगाते हैं वो उनके लिए किसी जानवर के समान थे। जो भी गेमर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके ऊपर उतनी ज्यादा बाजी लगेगी और जो गेमर हार जाएगा उस पर लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे और वो गेमर भी वहीं पर मारा जाएगा। फंसे हुए लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए इस गेम को खेल रहे थे लेकिन अमीर लोगों के लिए ये बस एक टाइम पास गेम था। यहाँ पर सभी लोगों को एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स के अंदर एक तलवार थी एक दूसरे को मारने के लिए। जेकी कहती है कि सबको मिलकर खेलना चाहिए लेकिन तभी एंटम नाम का एक प्लेयर आके जैक्सन का गला काट देता है और ये देखकर वहाँ के अमीर लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे लेकिन अंदर फंसे हुए गेमर बहुत ज्यादा डर गए थे। जेकी, स्टीवन और निक कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। एंटन के साथ में ली और किथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि पहले हम उन सभी लोगों को मिलकर मारेंगे और बाद में वे आपस में लड़ेंगे। इधर निक की नजर एक होलोग्राम पर पड़ती है और वे लोग आगे बढ़ते हैं। निक को आगे एक बेसबॉल बैट दिखाई देता है और वो उसे अपने साथ में रख लेता है अपनी और अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए। इस तरफ एडम, ली और कीथ एक रूम में जा पहुंचते हैं
जहाँ पर हर तरफ चाबियां ही चाबियां लटकी हुई थी। कृति एक चाबी लेकर डोर को खोलने के लिए ट्राई करती है और बहुत देर तक इतनी ज़्यादा चाबियां ट्राई करने के बाद भी वो इसे नहीं खुल पाती और गुस्से में एंटम चाबियों की बाल्टी को लात मार के वहाँ से आगे बढ़ जाता है कि तभी कृत वहीं पर एक हथियार देखता है और वो उस हथियार को अपने पास में छुपा कर ही आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सारा को टॉर्च मिलता है और जब वो उस टॉर्च को जमीन पर मारती है तो उन्हें कुछ सिंबल्स मिलते हैं। जब वे उन सिंबल्स को फॉलो करते हैं तो उनको एक रूम में चाबी लटकी हुई दिखाई देती है। जैकी चाबी उतारने के लिए ऊपर चढ़ती है और जैकी किसी तरह से उस चाबी को उतार कर सारा की तरफ फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंटन आ जाता है और वो सारा को वहीं पर मारने वाला था, लेकिन निक आकर उसे बचा लेता है। निक और एंटम के बीच में लड़ाई हो जाती है और सारा चाबी लेकर वहाँ से भागती है। ली और कृत सारा के पीछे भाग जाते हैं चाबी लेने के लिए और तभी जैकी सारा को ऊपर बुला लेती है। सारा जब ऊपर चढ़ने लगती है तो ली भी ऊपर चढ़ने लगती है और सारा इन सब लड़ाई से बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी और वहाँ से सुसाइड कर लेती है। सारा को ऊपर से गिरता देखकर जैकी खुद को संभाल नहीं पाती और वो ऊपर ही लटक जाती है। फिर कृत सारा के हाथ से चाबी लेके भागता है और जैकी वहाँ पर लटक रही थी, लेकिन ली उसकी मदद नहीं करती और तभी जैकी भी ऊपर से गिर जाती है, कहीं पर छुप जाता है और उसे इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा चोटें आती है। इधर कृत जब फिर से सारा के पास आता है तो सारा अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा थी। एक लोहे का टुकड़ा उसके सीने के आर पार हो गया था और वो कृत से मदद मांगती है। कृत जब उस लोहे को बाहर निकाल रहा था तो सारा वहीं पर मर जाती है। ये सब गेम वे सभी अमीर लोग देख रहे थे और वे लोग जैकी के बेहोश होने पर बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सबसे ज्यादा बाजी जैकी पर ही लगी हुई थी। इधर एंटम कृत को पकड़कर चाबी मांगता है, लेकिन कृत कहता है कि मुझे अभी तक चाबी नहीं मिली है, लेकिन ली उसकी बातों को पकड़ लेती है कि कृत झूठ बोल रहा है। फिर ली और एंटम उसके तलाशी लेते हैं और उसके पॉकेट में से वही हथियार मिलता है। ली को लगता है कि उसने ये उन लोगों को मारने के लिए रखा है और तभी एंटम उसे मारने के लिए भागता है और वह कृत को पकड़ के मार डालता है। अब सभी के पास में बस 3 घंटे बचे हुए थे और तभी जैकी को होश आता है। जैकी को होश आता देखकर सभी अमीर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैकी सारा को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है, लेकिन वो जैकी को नहीं मारती और वह इशारों से जैकी को कुछ कहती है, पर जैकी को समझ नहीं आ रहा था कि कार्ला उसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। जैकी उससे पूछती है कि क्या तुमने निक को देखा है, और कार्ला इशारों से नहीं बोलती है और दोनों फिर से निक को ढूंढने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कृत मरा नहीं है और उसके पैर में गहरी चोट आई हुई है और उसके हाथ से गलती से कहीं पर वो चाबी गिर गई है और वो चाबी वहाँ से गुजरने पर जैकी और कार्ला को मिल जाती है। वो दोनों चाबी पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तभी कृत वहाँ पर आकर उससे कहता है, तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर तेल है और इस गेम में बस एक ही जिंदा रहेगा और बाकी के सभी लोग मर जाएंगे। वो उनसे चाबी मांगता है और अगर वो उन्हें चाबी नहीं देंगे तो वो उसे जलाकर मार डालेगा। और तभी पीछे से निक आकर कृत को मारकर सारा और जैकी को बचा लेता है। इस तरफ ली और एंटन डोर की तरफ जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो बाकी के लोगों का वेट करेंगे और उन लोगों को उस डोर को खोलने आना ही पड़ेगा। वे जब उस डोर को खोलने आएंगे तो वो उन्हें मारकर चाबी ले लेंगे। दूसरी तरफ निक को बहुत ज्यादा चोटें आई थी तो जैकी अपनी टी शर्ट खोलकर उसकी पट्टियां करती है और कार्ला थोड़ा आगे जाकर सब पर नजर रखती है। निक जैकी के बीच में एक बॉन्ड बन चुका था और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनको ऐसा करते देखकर वो अमीर आदमी क्रिस जिलस होता है। अब इस गेम में सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ था। कार्ला आके निक और जैकी को आगे ले जाती है और वो ये देखते हैं कि ली और एंटम डोर पर ही बैठे हुए हैं उन्हें मारने के लिए। निक जैकी और कार्ला ये प्लान बनाते हैं कि वे लोग चाबी को दिखाकर उन्हें अपनी तरफ बुलाएंगे और फिर जैकी चाबी दिखाकर एंटन को अपनी तरफ बुलाती है। एंटन उसके पीछे पीछे आता है और ली के पास जैकी जाती है, लेकिन ली ये देखती है कि वो जैकी नहीं बल्कि कार्ला है। कार्ला ने जैकी के कपड़े पहनकर उन लोगों को कंफ्यूज किया था और कार्ला और ली के बीच में भयानक हमला होता है। वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं और एक हथियार से कार्ला ली को बहुत मारती है। फिर कार्ला ली का गला दबाने लगती है और ली किसी तरह उस हथियार को कार्ला के सिर में घुसा देती है, जिससे कि कैमरा टूट जाने की वजह से कार्ला के सिर से एसिड निकलता है और कार्ला का पूरा चेहरा उस एसिड से गल जाता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब बोर्ड से एक के बाद एक प्लेयर की फोटो हटाई जा रही थी और उस गेम में अब बस 4 ही लोग बचे हुए थे। इधर जैकी एंटम को अपने पीछे लगाकर एक जगह पर लेकर आती है। एंटन के आते ही वो उसके ऊपर तेल डाल देती है और निक से कहती है कि उसे जला दो, लेकिन एंटन निक पे हमला करके उसे घायल कर देता है और वो जैकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर हम ये देखते हैं कि निक किसी तरह आग जलाकर एंटन को वहीं पर जला देता है
और एंटन चिल्ला चिल्ला कर वहीं पर मारा जाता है। निक वहीं पर बेहोश हो जाता है और जैकी निक को उठाकर वहां से ले जाती है। ली ने कार्ला की जेब से चाबी ले ली थी और वो उस डोर को खोलने जाती है, लेकिन डोर उसे नहीं खुलता। वो तभी वहां पर निक और जैकी आते हैं। फिर ली और जैकी के बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है और जैकी एक ही झटके में ली का गला काट डालती है। ली का सर कटकर दूर गिर जाता है और अब ली भी मारी गई थी। फिर जैकी बहुत कोशिश करती है उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अब निक का ऐसा कहना था कि उनमें से सिर्फ कोई एक ही बचेगा, वो तभी ये डोर खुलेगा। तुम मुझे मार डालो क्योंकि मैं वैसे भी अब मर रहा हूँ। जैकी कहती है कि हम दोनों साथ ही में यहाँ से निकलेंगे और फिर वो डोर खोलने की कोशिश करती है। फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है। जैकी को समझ में नहीं आ रहा था कि दरवाजा कैसे खुला, और जब वो पीछे पलटकर निक को देखती है तो उसे पता लगता है कि निक ने अपनी खुद की जान ले ली है। उसने जैकी को बचाने के लिए खुद की जान ले ली, जिससे कि जैकी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो किसी को भी नहीं बचा पाई थी। जैकी जब वहां से बाहर आती है तो क्रिस उसे हग करके ये कहता है कि तुम जीत गई। ये कहानी कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर जैकी को अपने रूम में क्रिस दिखाई देता है। जैकी क्रिस से पूछती है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, और क्रिस उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर जैकी के होश उड़ जाते हैं और पूरी मूवी का राज यहीं पर खुलता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी और ये गेम तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। इस गेम के सारे रूल्स तुम्हारे लिए ही थे। जैकी ने उसके रूममेट को भी मार डाला था और उसे ये सारी चीजें याद ही नहीं थी। जैकी की याददाश्त वापस लाने के लिए उसके दोस्त और क्रिस ने उसके लिए इस गेम को बनाया, जहां पर जैकी को भी रखा गया था। और ये सब जान के जैकी अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि सिर्फ उसने दोस्तों के साथ में मिलके अपने मजे के लिए उस खून के खेल में कई लोगों को मार डाला। जैकी फिर उन्हें दिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो उनके साथ में मिल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भयानक चल रहा था और वो बहुत चालाकी से क्रिस से इस गेम के बारे में जान लेती है। फिर एक दिन मौका देखकर जैकी सभी को बेहोश करके उसी गेम में डाल देती है, और जब सभी को होश आता है तो वे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो सब खुद भी उस गेम में फंस जाएंगे, और क्रिस ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि जैकी उसके साथ ऐसा करेगी। जैकी का ये गेम उस गेम से बहुत ज़्यादा अलग था। उन लोगों को वहाँ से बचने के लिए उसने बस 2 मिनट का ही टाइम दिया हुआ था, और जैकी ने खुलेआम उन सभी लोगों को मौत दे दी थी। उनके पास वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जैकी उनसे कहती है कि यहाँ से बचने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है, और ये कहकर जैकी वहाँ से चली जाती है। जैकी ने उन सभी लोगों को ये बता दिया कि दूसरों की लाइफ के ऊपर बाजी लगाना और दूसरे की मौत का तमाशा देखना बहुत आसान है, और जब खुद की लाइफ के ऊपर मौत आती है तो कैसा लगता है। और फिर इन अमीर लोगों की चीखों के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।